Starting in the name of Allah, who is the most merciful, compassionate, and benevolent. This is me, Visal Atta, and today our topic is about conjunction. What is conjunction? What is the origin of conjunction? आज का हमारा टॉपिक कंजंक्शन के बारे में है, इसके ऑरिजिन के बारे में, इसकी डिफिनेशन के बारे में है, और इसके कितने एग्जांपल्स हैं, इसके कितने टाइप्स हैं, ये सारे हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द ऑरिजिन ऑफ कंजंक्शन? कंजंक्शन की ऑरिजिन क्या है? मीन्स ये कौन से वर्ड से अखज हुआ है, किस वर्ड से डिराइव हुआ है। तो ऑरिजिन क्या है इसका, कि ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। किस चीज से? लैटिन जुबान से, लातीनी लैंग्वेज से, लातीनी जुबान से। लातीनी जुबान में इसको कहते हैं कंजंक्ट। क्या कहते हैं? कंजंक्ट। सो इट इज टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कंजंक्ट, व्हिच मींस व्हाट? व्हिच मींस टू कंबाइन। व्हिच मींस व्हाट? टू कंबाइन। जिसके मायने क्या है? कंबाइन करना, एक साथ मिलाना। सो कंजंक्शन इज टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कंजंक्ट, व्हिच मींस व्हाट? टू कंबाइन। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन? अब डेफिनेशन क्या है कंजंक्शन की? तो कंजंक्शन है क्या चीज? कंजंक्शन हमारे पास, इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 नंबर्स है और 2 टाइप्स है, ओपन क्लास वर्ड, क्लोज क्लास वर्ड। फिर इसके 8 नंबर्स है जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड वर्ब, ये सब आते हैं। तो उन्हीं में से एक नंबर में कंजंक्शन भी आता है, और ये कंजंक्शन की ओरिजिन ये है कि ये लैटिन वर्ड से आया है, इसको अखज किया गया है, इसको डिराइव किया गया है, इसको टेकन किया गया है, जिसको हम कहते हैं कंजंक्ट। और इसकी मायने क्या है? इसकी मायने है टू कंबाइन, मिलाना। क्या मायने है इसकी? मिलाना। Now, what is the definition of conjunction? Conjunction is a word or words which combine two or more than two words, two or more than two clauses, two or more than two phrases, two or more than two sentences. जो के मिलाता है, two or more than two words, जो के मिलाता है, two or more than two, दो या दो से ज्यादा अल्फाज को, दो या दो से ज्यादा phrases को, दो या दो से ज्यादा clauses को, दो या दो से ज्यादा जुमलों को, सेंटेंसेस को। सो दिस इज द एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन, दैट इट कंबाइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, दैट इट कंबाइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस। सो नंबर वन, हियर वी हैव डेफिनेशन दैट इज कॉल्ड द वर्ड और वर्ड्स। द वर्ड और वर्ड्स व्हिच कंबाइंस, the word are words which combines two or more than two, two or more than two, what? Two or more than two words, two or more than two phrases, two or more than two clauses, two or more than two sentences, what? Sentences. तो ये मिलाता है दो या दो से अल्फाजों को, दो या दो से ज्यादा फ्रेजेस को, दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस को, दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को। जब वो मिलाए उसको हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे। सो हियर वी हैव सम एग्जांपल्स, ये दो वर्ड्स को किस तरह मिलाएगा? फॉर एग्जांपल आई से एप्पल एंड ऑरेंज, एप्पल एंड ऑरेंज। सो ये एप्पल एक वर्ड है, ऑरिजिन सॉरी ऑरेंज क्या है? वर्ड है। क्या है? वर्ड। ये वर्ड क्यों है? बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिक लेटर्स व्हिच गिव अस कंप्लीट मीनिंग। अब ये हमारे पास क्या हो गया? वर्ड हो गया। ए क्या है? एक लेटर है। पी क्या है? एक लेटर है। पी क्या है? एक लेटर है। एल क्या है? एक लेटर है। ई क्या है? एक लेटर है। तो ये जब सारे लेटर्स कंबाइन हो गए और इसने हमें एक कंप्लीट मीनिंग दे दी, तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। अगर ये हमें कंप्लीट मायने ना दे और लेटर्स कंबाइन हो जाए और हमें कंप्लीट मायने ना दे, तो उसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। अब इधर लेटर्स कंबाइन हुए हैं, इधर भी लेटर्स कंबाइन हुए हैं, इन्होंने हमें मायने दिया है सेब का, ऑरेंज ने हमें मायने दिया है माल्टा, तो इसने हमें एक कंप्लीट मीनिंग दी है, इसलिए ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। अब ये दोनों कंबाइन हुए हैं किसके जरिए? एंड के जरिए। तो एंड ने टू वर्ड्स को कंबाइन किया, सो इट मींस दिस दैट इट इज अ कंजंक्शन। तो ये क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया।
एंड क्या है, कंजंक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसने टू वर्ड्स को मिलाया है, टू वर्ड्स को मिलाया है, तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। अब आते हैं फ्रेजेस की तरफ। अब ये फ्रेजेस को किस तरह मिलाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं फ्रेज कहते किस चीज को है, फ्रेज। अब फ्रेज की तरफ आते हैं, फ्रेज हमें पूरी मायने नहीं देता है, पूरी मायने नहीं देता है। मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल इन द किचन, आप कहते हैं व्हाट, इन द किचन, आप कहते हैं व्हाट, मैं कहता हूं इन द किचन, आपको समझ में नहीं आ रही, व्हाट इज देयर इनसाइड द किचन, किचन के अंदर क्या है, मैं आपको कह रहा इन द किचन, इन द क्लासरूम, इन द बेडरूम, तो अब आपको समझ नहीं आ रही कि इन द बेडरूम, इन द क्लासरूम, व्हाट। तो ये एक फ्रेज है जो कि हमें पूरी मायने नहीं दे रहा है। तो ये दो या दो से ज्यादा फ्रेजेस को भी कंबाइन करता है। हाउ, फॉर एग्जाम्पल इन द किचन, इन द किचन, और एंड इन द रूम, एंड इन द रूम। अब इस एंड ने, ये भी एक फ्रेज है, ये भी एक फ्रेज है, क्या है, फ्रेज है, और इन द किचन भी क्या है, ये भी एक फ्रेज है। तो इस एंड ने इस इन द किचन और इन द रूम, ये इन दोनों फ्रेजों को मिलाया है, टू फ्रेजेस को मिलाया है, तो ये एंड क्या हो गया, कंजंक्शन, क्या होगा, ये एक कंजंक्शन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसने टू फ्रेजेस को मिलाया हुआ है। अब आते हैं हम क्लॉज की तरफ, किसकी तरफ, क्लॉज की तरफ। ये भी द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड वर्ड्स है, जिसमें क्या होता है, एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट होता है, विच यूजुअली गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग, और विच मे और मे नॉट गिव अस कंप्लीट मीनिंग, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। तो अब ये दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस को भी मिलाता है, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को भी मिलाता है, दो या दो से ज्यादा फ्रेजेस को भी ये क्या करता है, मिलाता है, कंबाइन करता है। इसलिए तो हम इसको क्या कहते हैं, टू कंबाइन इसकी मायने है, और लैटिन वर्ड में इसको कंजंक्ट कहते हैं। अब ये दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस को किस तरह मिलाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द टेस्ट, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द टेस्ट, अगर तुम सख्त मेहनत करोगे तो तुम टेस्ट को पास कर लोगे, अगर तुम सख्त मेहनत करोगे तो तुम टेस्ट को पास कर लोगे, तो ये एक क्लॉज है, क्या है, क्लॉज है। तो इस क्लॉज ने क्या किया है, क्या किया है, सॉरी, इस कंजंक्शन ने क्लॉज को मिलाया है। तो ये दो या दो से ज्यादा फ्रेजेस, वर्ड्स एंड क्लॉजेस को मिलाता है। अब सेंटेंस की तरफ आते हैं, ये दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को किस तरह मिलाएगा, दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को किस तरह मिलाएगा, तो सेंटेंस की बात हो रही है, सेंटेंस को हम उर्दू में कहते हैं जुमला या जुमले, जब प्लूरल हो जाए तो जुमले हो जाएगा। तो अब ये दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को किस तरह मिलाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं अली इज एन एक्टर, अली एक एक्टर है, एंड ही इज टैलेंटेड, ही इज टैलेंटेड, ही इज टैलेंटेड, सो हियर अली इज एन एक्टर, ये एक पूरा सेंटेंस हो गया, ही इज टैलेंटेड, ये भी एक पूरा सेंटेंस हो गया। तो ये जो सेंटेंस है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो है, विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग एंड थॉट, जो कि हमें पूरी मायने दे, ताकि हम उस जुमले पर समझ सके, जो सुनने वाले की समझ में आ सके, उसको हम क्या कहेंगे, जुमला कहेंगे। अब ये जो आप सुन रहे हैं, अली इज एन एक्टर, ये अभी आपके दिमाग में इसको आप समझ रहे हैं कि अली एक एक्टर है, ही इज टैलेंटेड, ये भी आप समझ रहे हैं कि वो क्या है, टैलेंटेड है, जहीन है, फतवीन है, तो ये क्या हो जाएगा, टैलेंटेड। तो इसको भी आपने समझा, इसको भी आपने समझा, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, और ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, और इसने हमें पूरी मायने दी है, तो ये टू सेंटेंसेस हो गए, क्या, टू सेंटेंसेस हो गए। और इसको मिलाया किसने है, इस एंड ने मिलाया है, तो इस जब इस एंड ने इन दो सेंटेंसेस को मिलाया, तो हमने डेफिनेशन में कहा है कि उसको हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। तो ये एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसने टू सेंटेंसेस को मिलाया है। तो कंजंक्शन क्या करता है, कंबाइन करता है, मिलाता है, टू या मोर देन टू वर्ड्स, टू आर मोर देन टू फ्रेजेस, टू आर मोर देन टू क्लॉजेस, टू आर मोर देन टू सेंटेंसेस। सो थैंक यू वेरी मच, दिस वॉज माई टॉपिक, थैंक यू वेरी मच।